अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक ऐसी टिप लाए हैं जो आपकी छन्नी को बिल्कुल साफ करेगी, चाय जिसे हम छानते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ से काली हो रही है और मेरी इतनी गंदी नहीं है, वरना बास छन्नियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। यहाँ पे भी ये जम जाता है, ब्लैक ब्लैक चाय की पत्ती जम जाती है, जैसे ये भी जमी हुई है थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये निकल जाएगी ऐसे ही। तो अगर जिसकी बहुत ज़्यादा गंदी है तो वो उसे चूल्हे पे रख के जला ले, और जलाने के बाद छोड़ दे थोड़ी देर, अच्छी तरह जला ले सब तरफ से, और जलाने के बाद छोड़ दे थोड़ी देर ठंडी हो जाए। तो ठंडी होने के बाद फिर ये वाला प्रोसेस कीजिएगा जो मैं बताऊँगी। ये समझ में आ गया? अब मैं आगे बताऊँगी आपको। यहाँ मैंने लिया है डिटर्जेंट जिसे हम बर्तन धोते हैं, ये लिया लिक्विड, और लेमन जूस डालेंगे और वाइट विनीगर, और यहाँ हमने लिया है गर्म पानी। हम इसमें सब चीज़ें डालेंगे, ये मैंने थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखा हुआ था, इतना कि छन्नी इसमें डूब जाए। तो यह हमने लिया गर्म पानी, इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, वन टेबल स्पून, और ये डिटर्जेंट डालेंगे इसमें वन टेबल स्पून, वाइट विनेगर टू टेबल स्पून। ये सब चीज़ें डालती हैं। अब हम इसमें छन्नी को डाल के पकाएंगे, तो मैं यहाँ से पका लेती हूँ। ये देखिए जी, हम इसे पका रहे हैं, इसमें बॉईल आ गया है और मैं इसे पका रही हूँ। ये देखिए जी, हमने इसे 5 मिनट पकाया तेज़ आँच पे, और अब मैं इसको थोड़ा सा स्लो करूँगी। ये मैंने इसको धीमा कर दिया है, और इसमें मैं डालूंगी बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा डालूंगी। तो अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, फिर हम इसे आंच करके पका लेंगे। ये देखें, ये हो गया। अब हम आंच तेज करके 5 मिनट और पकाएंगे, और 5 मिनट के बाद मैं इसे ठंडा करूंगी और निकालूंगी। टोटल हमने इसे 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट हो गए मैं इसे पकाते हुए, मैंने सोडा डाल के धीमी आंच में पकाया था कि ये उबले नहीं, अब नहीं यह पानी सारा नीचे आ जाएगा, आपका चूल्हा भी गंदा हो सकता है। तो इसको धीमी आंच पे ही पकाना है 5 मिनट, और मेरे 5 मिनट कंप्लीट हो गए, मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और बंद होने के बाद इसको ठंडा करेंगे छन्नी को, फिर आगे बता। ये देखिए जी, हमने निकाल लिया इसे, और मैं इसे अब एक बर्फ से साफ कर लेंगे। या मैंने ठंडा पानी लिया है, तो ये हो गई है, मैं इसको धो के लाती हूँ। ये देखिए जी, हमारी छन्नी बिल्कुल न्यू हो गई है, और ये बिल्कुल साफ लग रही है। ये देखें, बिल्कुल साफ लग रही है, साफ सुथरी और न्यू लग रही है। तो उसके लिए बस एक दो बातों का ख्याल रखिएगा। 5 मिनट बगैर सोडे के पकाएं, सिरका लेमन और डिटर्जेंट डाल के 5 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर दें, और फिर उसमें सोडा डालें 1 टेबल स्पून। सोडा डालने के बजाय वो बैठ जाए, नीचे झाग उसका बैठ जाए, फिर 5 मिनट इसे पकाएं धीमी आंच पे, इतना कि बॉयल रहे उसमें। तो 5 मिनट पकाएं, 5 मिनट के बाद इसे छन्नी को निकाल लें, ठंडा करें। ठंडा करने के बाद कोई भी ख़राब पेस्ट है उसको साफ कर लें, और फिर उसे धो लें। बिल्कुल आपकी छन्नी ऐसी हो जाएगी और बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, और ये बहुत अच्छी लगेगी आपको इंशाल्लाह ये टिप। तो ये कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और जो पानी बच गया है मैं उसे फेंकूंगी नहीं, उसमें मैं अपने स्टील के स्पून डाल के उसे भी साफ़ कर लूँगी। तो ज़रा सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और मुझे सब्सक्राइब करवाएँ। और इसके साथ ही अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।